दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल इस समय बहुत चर्चा में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय वहां पे साधना करने गए हुए हैं, तो आइए देखते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल कैसे पहुंचा जा सकता है। सबसे अच्छा मींस अगर दूर से आप आ रहे हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया से आने पे आपके लिए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे अच्छा रहेगा, एयरपोर्ट पे आइए। जो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है तिरुअनंतपुरम, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ज़्यादातर सिटीज से फ्लाइट मिल जाती हैं, और नहीं तो दिल्ली से ज़रूर मिल जाएंगी। वहाँ आने के बाद में 90 किलोमीटर के लिए आपको ट्रांसपोर्ट के दूसरे मीडियम यानी हायर्ड व्हीकल ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। वहाँ से आपको आना है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के बीच पर पहुँचने के बाद में आपको लेना होगा फेरी बोट, जिसका किराया 70 रुपये होता है। यहाँ पर आपकी गाड़ी नहीं जाती है दोनों दोनों रॉक मेमोरियल पर। एक्चुअली ये दो रॉक ही थे जिनको बाद में मेमोरियल में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ आने के बाद 70 रुपये आपको बोट, पानी वाली बोट लेगी, जो विवेकानंद रॉक लाइन से आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल ले जाएगी। अगर आपको दूसरे जो थिरुवल्लुवर स्टेचू है वहाँ जाना है, तो आपको फिर से फेरी लेना होगा यानी बोट लेना होगा। तो ये क्योंकि समुंदर के बीच में है, इसलिए यहाँ जाने के लिए आपको बोट लेना पड़ेगा। यहाँ का मौसम, यहाँ का दृश्य, क्योंकि समुद्र में है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, चीज़ें बहुत शांत मौसम, लेकिन जो समुंदर है वो अपने आप में उफान लेके आता है। तो बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ जाने के लिए, आप यहाँ जाने का प्लान बना सकते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये रॉक मेमोरियल, पहले दो चट्टाने यहाँ पर थी, 1973 से ले स्वयं सेवक संघ, जो राष्ट्र बीजेपी का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उनके लोगों ने ट्राई किया कि यहाँ पे बनाया जाए, और उन्होंने एफर्ट किए, सब गवर्नमेंट से पैसे मांगे, डोनेशंस मांगे, और धीरे धीरे करके कलेक्ट करने के बाद में इसका जो निर्माण स्टार्ट हुआ, इसका उद्घाटन 1970 में उस समय के राष्ट्रपति वीवी गिरिजी ने किया था, और उद्घाटन समारोह में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक जगह जो कि आत्म प्रेरणा के लिए है, विवेकानंद जी के को समर्पित है, आपको यहाँ घूमने जरूर आना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।